वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम कॉमन लॉ द क्वेश्चनराइजेज एज टू वट इज कॉमन लॉ कॉमन लॉ से क्या मुराद है कॉमन लॉ ये जो लॉ है ये इसका जो तल्लुक है वो इंग्लैंड से बनता है कॉमन लॉ एक फ्रेंच वर्ड है कॉमन ली जिसका मतलब है बॉडी ऑफ लॉ डिराइव्ड

तो जब जजेस लॉ बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये खास मॉड और पैटर्न और तरीकाकार को फॉलो करके बनता है देखें नॉर्मली ट्रेंड्स ये हैं कि लॉज जो हैं वो लेजिस्लेचर बनाती हैं लेजिसलेचर नॉर्मली पार्लियामेंट पे मुश्तमिल होती हैं और पार्लियामेंट जो हैं वो लॉज बनाते हैं लेकिन इंग्लैंड में जब आ, वहां पर ट्राइबल रूल था और ट्राइबल रूल के बाद जब किंगशिप का इंस्टीट्यूट डेवेलप हुआ तो किंग ने इंग्लैंड के गिरदोनवाह में कुछ कॉम्पिटेंट लोग जो लॉ नोइंग थे वो भेजे जिन्होंने वहां पर जाकर वहां का कस्टमरी लॉ वहां का जो मरवजा कवानीन थे उनको सामने रखा और अपनी विजडम को इस्तेमाल करते हुए डिसंस देने शुरू किए और लॉ मेकिंग शुरू की The so common law means law of the people, law of the land, judge made law. Blackstone says common law is the municipal law of England or the rule of civil conduct prescribed to the inhabitants of the kingdom. So, common law means municipal law. Municipal law, law related uh, so society's regulations. तो कॉमन लॉ को वो सिविल लॉ कहता है और कॉमन लॉ के तहत वो कहता है कि नस्क जो है वो इंग्लैंड का चलता है एक और बात कही जाती है दैट कॉमन लॉ इज द एक्सपीरियंस एक्सप्रेस्ड इन लॉ कॉमन लॉ एक्सपीरियंस है एक्सप्रेस्ड इन लॉ है किसका एक्सपीरियंस है बेसिकली होता यह है कि वहां पे जजेस के सामने एक प्रॉब्लम जो है वो पेश की जाती है जिसमें दो लोग जो होते हैं उनके दरमियान कॉन्ट्रोवर्सी होती है और वो जज के सामने आते हैं क्योंकि कोई लॉ जो होता है वो मौजूद नहीं होता और जज को कहा जाता है कि वो इसपे अक्लो दानिश को सामने रखते हुए इंसाफ के असूलों को सामने रखते हुए फैसला करे तो जज जो उसमें असूल को डिवाइस करता है वो लॉ बन जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि कॉमन लॉ इज द एक्सपीरियंस

अपने एक्शन में ताकि लॉ की जो रिगर है लॉ की जो सख्ती है उसको दूर कर सके ये कहा जाता है कि एक्यूटी इज नॉट पार्ट ऑफ द लॉ बट अ मॉरल वर्च्यू व्हिच क्वालिफाइज मॉडरेट्स एंड रिफॉर्म्स द रिगर हार्डनेस एंड एज ऑफ द कॉमन लॉ एक्यूटी आई और उसने लॉ की जो रिजिडनेस थी उसको दूर किया अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इंग्लैंड में चोरी की सजा फॉर एग्जांपल फोर इयर्स है एक मासूम बच्चा है उसकी वालदा बड़ी सख्त बीमार है और वो मासूम बच्चा एक रोटी चोरी कर लेता है अब क्या उसे लॉ कॉमन लॉ के तहत चार साल की सजा दे देनी चाहिए या उसे एक्विटी के मुताबिक इंसाफ के मुताबिक निस्फत के मुताबिक उसे माफ कर देना चाहिए लॉ कहता है कि इसको चार साल की सजा दे दें इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के इसके चोरी करने के सियाको सबाक क्या थे लेकिन एक्वी कहती है कि नहीं यहां पे आप देखो कि ये बच्चा जो है इसका कोई हसाने हाल नहीं है और इसको माफ कर दो तो एक्वटी बेसिकली लॉ की जो रिजर्डनेस है लॉ का जो रिगर है उसको मॉडरेट करने के लिए आती है नेक्स्ट काइंड जो है वो स्टेचूफ लॉ है लेडीज एंड जेंटलमैन ये स्टेचू लॉ क्या होता है बेसिकली स्टेचू लॉ जो है ये कॉमन लॉ के अगेंस्ट एक लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसके जरिए से बनता है स्टेचू लॉ बेसिकली बेसिकली लेजिसलेचर बनाती है अब लैजिस्लेचर पार्लियामेंट को कहा जाता है पार्लियामेंट हमारे यहां पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसमें नेशनल असेंबली है उसमें सेनेट है और उसमें प्रेसिडेंट है ये तीनों मिलते हैं तो स्टैट्यूटरी लॉ बनता है इसका मतलब ये है कि लॉ एनेक्टेड बाय पार्लियमेंट इज कॉल्ड स्टेच्यूटरी लॉ अब स्टेचुटरी लॉ जो है ये इस, इसके बनने का एक खास प्रोसेस है अब वो प्रोसेस कहां पर मौजूद है वो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो पाकिस्तान का है वो बता देता है कि ये तरीकाकार है जिसके मुताबिक आप लॉ बना सकते हैं और स्टेचुटरी लॉ जो है ये कोडिफाइड लॉ कहलाता है कोडिफाइड लॉ हम किसे कहते हैं ऐसा लॉ जो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हो उसे हम कोडिफाइड लॉ कहते हैं तो आज आपने बात याद रखनी है कि स्टेच्यूटरी लॉज आर दोज लॉज विच आर एनेक्टेड बाय द लैजिस्लेचर नेक्स्ट जो लॉ है वो सब्सटेंटिव लॉ है तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है मैंने पिछले टॉपिक में भी आपके साथ डिस्कस किया था सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ के ये क्या होते हैं अब भी डिस्कस दोबारा कर देता हूं देखें सवाल यह है कि सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली डिफाइन कर देता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को कि यह राइट्स हैं ये ऑब्लिगेशंस हैं फिक्स कर देता है बोल्ट्स लगा देता है अब वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तक पहुंचना कैसे है उसके लिए प्रोसीजर्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं देखें फॉर फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है उसने किसी शख्स का मर्डर कर दिया है तो उसने कत्ल कर दिया अब सब्सटेंटिव लॉ जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है उसमें बताया जाता है कि ये कत्ल की जो सजा है इस सॉरी जो कत्ल करने की सजा जो है वो मौत है या उम्र कैद है अब उस शख्स को उम्र कैद या मौत की सजा तक लेके जाना है तो हमें प्रोसीजरल लॉ पर जाना पड़ेगा तो प्रोसीजरल लॉज आर बेसिकली स्टेप के जो जाते हैं सबस्टेंटिव लॉ की फुलफिलमेंट की तरफ कि सजाए मौत कैसे देनी है उसके लिए प्रोसीजर है एफआईआर होगी एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चालान है वो नियरेस्ट कोर्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट में पेश किया जाएगा कि वहां पे ट्रायल होगा ट्रायल जो होता है कोर्ट के सामने बेसिकली ये एग्जामिनेशन होती है कि क्या वाकई ही इस शख्स ने यह जुर्म किया है या नहीं किया है विटनेसेज आती हैं, विटनेसेज पे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है फिर उसके बाद उसको अगर गिल्टी समझा जाता है तो उसको अनाउंस्ड पनिशमेंट दी जाती है किसको इसको हैंग कर दिया जाए या उम्र कैद दे दी जाए तो मैंने आपको बताया सब्सटेटिव लॉ और उसके साथ ही मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी प्रोसीजर लॉ इससे नेक्स्ट जो काइंड है वो प्राइवेट लॉ है प्राइवेट लॉ लफ्जों से ही जाहिर है कि प्राइवेट लॉ बेसिकली ऐसा लॉ है जो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान जो डिस्प्यूट है उसको डील करता है और पब्लिक लॉ जो है वो एक इंडिविजुअल या दो लोग या ग्रो वर्सेस स्टेट के दरम्यान में जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करता है क्रिमिनल लॉ क्राइम से निकला है और क्रिमिनल लॉ को जब आप साउंड करते हैं सुनते हैं तो पता चलता है कि ये कोई बहुत खतरनाक और बहुत कोई मोहलक सी लॉ की काइंड है देखिए क्रिमिनल लॉ रिलेट करता है ऐसी एक्टिविटीज को विच आर शंड एंड डिक्लेयर टू बी वाइडेड अगेंस्ट द कम्युनिटी फॉर एग्जांपल हम ग्रेव रॉंग्स को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हीनियस क्राइम्स हैं ये बिल्कुल अनवांटेड एक्टिविटीज हैं और पूरी सोसाइटी उसको शन करती है उसको अवॉइड करती है उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं रखती बल्कि ये कहती है कि ऐसे लोग जो क्राइम में मुलवस हैं उनको सजा दी जाए तो ऐसा लॉ जो क्राइम क्राइम से रिलेट करता है क्राइम्स को डील करता है उसे हम क्रिमिनल लॉ में कहते हैं तो सिविल लॉ जो है ये डिस्प्यूट्स uh, को हैंडल करता है जो दो पार्टीज के आपस के रिलेशनशिप्स होते हैं सो फार वी हैव डिस्कस काइंड्स ऑफ लॉ अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ जाने कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में देखिए कोर्ट्स का जो प्राइमरी फंक्शन uh, है वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए और स्टेट को जस्टिफाई करना पड़ता है कि इंसाफ लोगों के लिए मौजूद है कहा जाता है कि किसी भी स्टेट के अफेक्टिव होने के लिए बहुत जरूरी है कि देखा जाए कि उसका डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम कैसा है तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है इट इंटायरली डिपेंडस अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान हमारे यहां सबसे अपेक्स कोर्ट जो है सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में सीट करती है और इसके जो जजेस हैं वो बहुत क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट लोग हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और इनका फाइनल काम लॉ uh, की इंटरप्रिटेशन एंड देआर कॉल्ड कंस्टोडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरे पाकिस्तान से जो अपील्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आती हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके ऊपर डेलिब्रेशन करता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वह फाइनल कहलाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जरिस्डिक्शन भी है अगर कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो पटीशन रेड पटिशन इसके साथ अपने फाइल कर दी जाती है और कोर्ट उसके ऊपर डेलीब्रेशन करके अपना फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिसाइड्स डिस्पेंसिंग जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन करती है लोअर कोर्ट्स की भी हाई कोर्ट्स इसके मातहत हैं और ये उनको भी वक्तन फवक्ता बहुत सारी डायरेक्शन देती रहती है सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और कोर्ट है जिसका नाम है फेडरल शरीयत कोर्ट शरीयत से मुराद क्या होगा रिलेटिंग टू इस्लामिक इंजेक्शन्स फेडरल शरीयत कोर्ट 1980 सौ अस्सी में प्रेजिडेंशल ऑर्डर के तहत बनाई गई और इसका मकसद ये था कि देखा जाए कि जो कवान पाकिस्तान में लागू हैं कि क्या वो इस्लामिक इंजेक्शन्स के मुताबिक हैं या नहीं है फेडरल शरीयत कोर्ट अपना काम कर रही है और इसके बहुत सारे दूरस्थ नातज जो हैं वो सोसाइटी के ऊपर मुरतब हुए हैं इसके अलावा हर प्रोविंस में एक हाई कोर्ट मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट, आ, सिंध हाई कोर्ट इस्लामाबाद कोर्ट और हाई कोर्ट काबले जिक्र है ये कोर्ट्स जो हैं ये प्रोविंस में एडमिनिस्टर करती हैं लोअर कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट से जो अपील्स हैं उनको ये एंटरटेन करती हैं कुछ हद तक इनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल वन डबल नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहां पर भी रिट पटीशन्स फाइल हो सकती हैं कोर्ट से थोड़ा सा अगर नीचे जाएं, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की कोर्टस मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं सेशन जज जब कहा जाता है तो इसके मुराद होती है कि ये क्रिमिनल केसेस को भी ट्राई कर सकते हैं और क्रिमिनल केसेस में जो अपील्स हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है तो इससे मुराद ये ली जाती है कि ये सिविल मैटर्स जो हैं उनको भी डील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से थोड़ा सा नीचे आए तो वहां पे सिविल जुडिशल की कोर्टस हैं सिविल जुडिशल भी ट्राई करते हैं सिविल मैटर्स को इसके अलावा जुडिशियल हरारकी में एग्जेक्टिव कोर्ट्स भी मौजूद हैं जहां पर बहुत सारे एग्जेक्टिव रिलेटिंग इश्यूज जो हैं उनके ऊपर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की जाती है इस सारे इन सारे कोर्ट्स के साथ साथ बहुत सारे और ट्रिब्यूनल्स भी मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जिनमें बैंकिंग कोर्ट्स जिसमें लेबर एपल ट्रिब्यूनल जिसमें इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल वगैरा शामिल हैं। अब सोर्सेज ऑफ लॉ को डिस्कस करते हैं देखिए मैंने आपको कोर्ट स्ट्रक्चर भी बता दिया अब पाकिस्तान एक कंट्री है यहां पे लॉज कहा से ओरिजिनेट होते हैं अब अगर हम मुख्तसर अल्फाज में इसको टाइटल दें कि लॉ के सोर्सेज कहां से आते हैं तो हम इसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ तो आइए देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान क्या है पहला जो सोर्स है वो लेजिसलेशन है देखिये कितना खूबसूरत लफ्ज है लेजिसलेशन अगर इसको आप लाइटली साउंड करें तो यह है लेजिसलेशन इसमें तेजी पाई जाती है और इसमें रिदम पाया जाता है और एक खास ये प्रोसेस का नाम है देखिये लैजिसलेशन का जो लफ्ज है इसकी इथिमोलोजी इटीमोलॉजी में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं देखें इटीमोलॉजी क्या होती है इटीमोलॉजी बेसिकली ओरिजन होता है कि ये कहा से लफ्ज जो है ये जनरेट हुआ है देखें दो लफ्स हैं लैटिन, एक लफ्ज बनता है लैजिस और दूसरा है लेटम ये लैजिस्लेशन का जो लफ्ज है ना जी इसकी जो इटीमोलॉजी है वो लेटन में है और लैटन में दो लफ्जों से है एक लैजिस दूसरा लेटम

लेजिस्लेटिव सॉवरिटी कानून बनाने की जो हुक्मरानी है वो पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पार्लियामेंट लॉज बना सकती है लॉ को रिपील कर सकती है लॉ को अमेंड कर सकती है ठीक है जी आगे देखते हैं पाकिस्तान में लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है लॉ मेकिंग प्रोसेस देखें मैंने और आपने डिवाइस नहीं करना लॉ मेकिंग प्रोसेस बिल्कुल एनविजेज है लिखा हुआ है कहा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोसेस बताता है देखें वो कहता है कि पहले आप बिल बनाएं बिल लॉ बनने से पहले बिल की फॉर्म में मौजूद होता है बिल बेसिकली प्रपोज लेजिसलेशन है या प्रपोजेंडमेंट है किसी एग्जिस्टिंग लॉ में वो बिल जो है वह मुख्तलिफ स्टेजेस से चलता है और वह स्टेजेस जब वो सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद वह प्रोमलगेटेड लॉ बन जाता है प्रोमलगेटेड लॉ क्या होता है प्रोमलगेटेड से मुराद है अनाउंसड लॉ ऑफिशियली अनाउंसड लॉ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आइए प्रोसेस को देखते हैं पहले बनता है जी बिल बिल की डेफिनेशन क्या करते हैं या बिल इज अ प्रपोजल फॉर न्यू लॉ फॉर और रिपीलिंग एन ओल्ड वन तो बिल आता है नया लॉ बनाने के लिए या जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें तब्दीली लाने के लिए या जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको बिल्कुल ही अनल करने के लिए कैंसिल करने के लिए या जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनके साथ एक नया लॉ मिक्स करके कंसोलिडेट करने के लिए लाया जाता है कितनी किस्मों के बिल हैं जी हमारे यहां जो बिल्स की काइंड है उसमें पहली काइंड वो पब्लिक बिल की है दूसरी प्राइवेट बिल की है पब्लिक बिल बेसिकली रिलेटेड विद सोसाइटी एट लार्ज पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो लॉ लगेगा वो पब्लिक बिल है प्राइवेट बिल क्या है फॉर एग्जांपल कोई एक खास कम्युनिटी है उसके लिए अगर कोई आप लॉ मेकिंग की प्रपोजल देते हैं तो वो प्राइवेट बिल कहलाता है इसके अलावा एक बिल होता है जिसे कहते हैं मानी बिल फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स जो है जैसे बजट हमारा होता है वो भी आता है तो वो नेशनल असेंबली में आता है वो सेनेट में नहीं जाता उसकी अप्रूवल के लिए हमें सेनेट के पास जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ नेशनल असम्बली जो है वो उसको ऊपर डेलीब्रेशन करती है और उसको पास करती है जो अदर देन मनी बिल्स हैं उनका लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले बिल को ड्राफ्ट किया जाता है फिर बिल को नेशनल असम्बली में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसको लोगों को जो एम एन एज हैं उनको, उनको उनके उसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है उसके बाद फर्स्ट रीडिंग होती है फर्स्ट रीडिंग से मुराद ये है कि थोड़ी बहुत जो है इंट्रोडक्शन बिल की हो गई उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी बहसो बहसो तहमीज जो है वो हो जाती है और जब वहां से ये बिल जो है ये क्रॉस कर जाता है ये आगे चला जाता है तो फिर एक कमेटी स्टेज आती है उसको कहते हैं रेफरेंस टू कमेटी ये कमेटी क्या होती है बेसिकली बात ये है कमेटी एक से ज्यादा लोगों का नाम है और जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसमें बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज होती उन कमेटीज में वो लोग होते हैं जो मुख्तफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं तो वो बिल जिनसे मुतलका होता है उस उन्हीं से मुतलका खास लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं के पास भेजा जाता है जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो फिर अगर इनको अप्रूव करता है तो फिर उसके बाद इसको दोबारा जो है वो नेशनल असम्बली में लाया जाता है सेकेंड रीडिंग के लिए सेकेंड रीडिंग होती है और बहुत सारी इसमें बेसो तमीस होती है बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं बहुत सारी अमेंडमेंट उसमें होती हैं। फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग की स्टेज है थर्ड रीडिंग में फाइनली बिल को जो है वो देखा जाता है कि क्या इसे पास करके लॉ बनाना है या नहीं बनाना अगर थर्ड रीडिंग से ये पास हो जाता है तो उसके बाद ये प्रेजिडेंट को भेज दिया जाता है प्रेजिडेंट अगर इसके ऊपर अपने सिग्नेचर सबक कर देता है तो फिर ये लॉ बनता है अदरवाइज ये लॉ नहीं बनता आप एक और चीज जान के खुश होंगे कि बिल जो ओरिजिनेट होता है वो नेशनल असेंबली में भी हो सकता है और सेनेट में भी हो सकता है मानी बिल्स जो हैं वो सिर्फ नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होते हैं मानी बिल्स के अलावा जो बिल्स हैं वो सेनेट में भी ओरिजिनेट हो सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वह जो प्रोसेस जो आप नेशनल असेंबली में कर रहे हैं अगर बिल सेनेट में ओरिजिनेट होता है तो सेनेट में भी आपने वही सारा प्रोसेस कर रहे हैं नेशनल असेंबली बिल पास करके सेनेट को भेजेगी सेनेट उसके ऊपर सारा प्रोसेस करेगी और अगर सेनेट में बिल ओरिजिनेट हुआ है तो सेनेट सारा प्रोसेस करके वो बिल नेशनल असेंबली को भेजेगी नेशनल असेंबली जब पास करेगी तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट उसके ऊपर एसेंट देगा तो इस तरह लॉ मेकिंग होती है अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या लेजिस्लेचर के पास इतना वक्त है कि वो हर वक्त लॉ मेकिंग करती रहे या वो लॉ मेकिंग को किसी और को पावर्स दे दे कि भाई आप लॉ मेकिंग करें हमारे बेहाफ पर क्या होना चाहिए लैजिस्लेचर जो फेडरल लैजिस्लेचर है वो बहुत सेंसिटिव बॉडी है उसके पास बहुत सारे काम हैं और पूरा पाकिस्तान मौजूद है और उससे मुतल वो लेजिस्लेशन इन डिटेल्ड मैनर तो नहीं कर सकती होता क्या है प्रैक्टिकली लेजिस्लेश जो बहुत प्राइमरी बातें हैं उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर देती है और फिर उस लॉ के अंदर उस एनेक्टमेंट के अंदर प्रोविजन रख देती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती क्या है कि देखें पावर टू मेक लॉज तो फेडरल लेजिस्लेचर की हैं लेकिन वो किसी अदारे को जिसने वो जो प्राइमरी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने की है उसको इंप्लीमेंट करवाना है उसको पावर दे देती है कि आप इससे मुतलक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप खुद बनाएं बाई लॉज खुद बनाएं लेजिस्लेचर माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जाती लेजिस्लेचर पेरेंट एक्ट्स बनाती है एनेबलिंग एक्ट्स बनाती है प्राइमरी लेजिस्लेशन करती है जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो उन अदारों का काम है जिन्होंने उन लॉज को इंप्लीमेंट करना होता है फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू जो टैक्स लॉज को इंप्लीमेंट करवाता है तो प्राइमरी लेजिस्लेशन तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं करती वो तो लेजिस्लेचर करती है अब प्राइमरी लेजिस्लेशन लैजिस्लेचर ने की और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एक प्रोविजन रख दी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हम दे रहे हैं एफबीआर बी आर को कि जितने भी बायलॉज चाहिए इन प्राइमरी लेजिस्लेश के तहत बने हुए रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए वो जो खुद बना ले तो आप देखें एक पैराल सिस्टम आपने बना दिया लैजिस्लेचर को कहा कि वो लॉ मेकिंग करो जो बड़ी सुप्रीम इंपॉर्टेंस की है और जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की है वो आप जो नीचे है इदारे उनको दे दो क्यों दे दो वो इसलिए कि लैजिस्लेचर को वो स्याको सबाक या जो हालात प्रैक्टिकली अथॉरिटीज फेस कर रही हैं वो नहीं पता तो वो जो लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली उसको हैंडल कर रहे हैं वो प्रैक्टिकेबल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उनको इंप्लीमेंट करवाते हैं तो अभी तक बात ये हुई कि लेजिस्लेशन फेडरल लेजिस्लेश करेगी और सबॉर्डिनेट लैजिस्लेशन जो है वो अथॉरिटीज करेंगी जिनके जुम्मे लगा दिया कि ये लॉज आपने इंप्लीमेंट करवाने तो एक प्राइमरी लैजिस्लेशन होगी और एक सबॉर्डिनेट फेडरल लेजिसलेशन प्राइमरी लैजिस्लेशन कर रही और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन अथॉरिटीज कर सबार्डिनेट लेजिस्लेशन जो है इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है सवाल पैदा होता है ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आप क्यों दे रहे हैं सुप्रीम बॉडी जो फेडरल लेजिस्लेशचर है वो क्यों दे रही है भाई इसकी वजह यह है कि इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर कि फेडरल लेजिस्लेशचर उनमें नहीं जा सकती अगर वो इसमें जाएगी तो उसका सारा जो कीमती वक्त है वो उसमें जाया हो जाएगा अब फेडरल लेजिस्लेचर ये नहीं है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दे दी और उनको छोड़ दिया कि भाई अब जो मर्जी लॉज बनाए जाएं हमें कोई मसला नहीं है नो नॉट एट ऑल जो फेडरल लेजिस्लेचर है वो आंख रखती है उनके ऊपर जो सबॉर्डिनेट लैजिस्लेशन कर रहे होते हैं कि क्या वाकई ये उन्हीं पैरामीटर्स के अंदर रह के कर रहे हैं डेलीगेटिव लेजिस्लेशन जो फेडरल लेजिस्लेश ने इन्हें दी है कोर्ट्स आर देयर टू चेक कि ये जो डेलीगेटेड लैजिस्लेशन है ये अल्ट्रावायरीज है कि ये तो कहा ही नहीं था फेडरल लेजिस्लेचर ने तो आपने इसके ऊपर लॉज बना दी और लॉज अगर गलत बना दी है, तो कोर्ट्स आर देयर टू रिव्यू उसके लिए रिट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो हाईकोर्ट में दायर कर दी जाती है और उनको ख चेक किया जाता है कि डेलीगेटेड लैजिस्लेशन गलत तो नहीं हो रही डेलीगेटेड लैजिस्लेशन के फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेलीगेटेड लजिस्ट्रेशन के फायदे बहुत ज्यादा हैं उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट का टाइम जो है वो बड़ा कीमती वक्त होता है और उसमें बड़े लतीफ किस्म के जो इश्यूज हैं जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लैजिस्लेशन की जाती है और बाकी काम जो है वो डेलीगेटेड लैजिस्लेशन में डाल दिया जाता अब डेलीगेटेड लैजिस्लेशन के डिसएडवाटेजेज में ये बात लोग कहते हैं कि भाई आपने थोड़ा सा हिस्सा तो पार्लियामेंट में डिस्कस कर लिया और बहुत सारा हिस्सा जो है वो डेलीगेटेड लैजिस्लेशन में दे दिया जो ज्यादातर ब्रोक्रेट्स जो होते हैं वो करते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है और वो लॉज क्यों बना रहे हैं अब देखें पार्लियमेंट जो है उसमें तो पब्लिक विल है जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो लोगों के नुमाइंदे हैं लोगों के चोजन रिप्रेजेंटेटिव हैं लेकिन वो जो बेसिक काम करते हैं और जो रेस्ट ऑफ द वर्क है दैट इज लेफ्ट फॉर डेलीगेटेड लैजिस्लेशन तो डेलीगेटेड लैजिस्लेशन इसलिए अच्छा भी समझी जाती है कि ये फ्लैक्सीबल है इसमें जो रूल्स एण्ड रेगुलेशन है वो जिस तरह जिस तरह जमाना बदलता है तो वैसे वैसे वो बदले भी जा सकते हैं तो इनके ऊपर जरूरत इस समर की है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल इनके ऊपर टाइटन्ड होना चाहिए फिर ये इफेक्टिव होती हैं। पाकिस्तान में भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है और पूरी दुनिया में भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को एक इफेक्टिव टूल ऑफ लेजिस्लेशन समझा जाता है आइए जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ लॉ है दैट इज प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेसिडेंट का लफ्स जो है अगर आप इसको सुने तो आपको कुछ रिदम महसूस नहीं होगा बल्कि कोई काम तवात्तर से होते हुए लगेंगे प्रेसेंट इसका मतलब है कि जो बात कह दी जो रूल स्टेब्लिश कर दिया बस यही रूल है भाई इसका प्रोसेस जो है वो जजमेंट लॉ की तरफ है इसका प्रोसेस लेजिस्लेशन की तरफ नहीं है लेजिस्लेशन में तो आप देखें ना बिलिंग का प्रोसेस है बिल बनता है फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग कमेटी स्टेज थर्ड रीडिंग फिर जाके वो प्रेसिडेंट जो है वो उसको सिग्नेचर करता है प्रेसिडेंट में ये बात नहीं है प्रेसिडेंट इज मेकिंग ऑफ लॉ बाय जज। आइए डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट क्या होता है इन डिटेल्ड मैनर देखे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी लेडीज एंड जेंटम देखिए ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या होती है आपके जहन में ये सवाल जरूर पैदा हुआ होगा ब्लैक डिक्शनरी बेसिकली वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ है और ये इसका ओरिजिन अमेरिकन है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो मानी जाती है ब्लैक डिक्शनरी कहती है प्रेसिडेंट इज मेकिंग ऑफ लॉ बाय अ कोर्ट इन रेकग्नाइजिंग एंड अप्लाइंग न्यू रूल्स वाइल एडमिनीस्ट्रेटिंग जस्टिस देखें नए लॉज नए रूल्स डेवेलप कर रही है कौन कोर्ट और किस वक्त में कर रही है और क्या करते हुए कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते हुए कर रही है कोर्ट का बेसिक काम तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है प्रैक्टिकली जस्टिस को डिलीवर कर रहा है और जब प्रैक्टिकली जस्टिस वो डिलीवर कर रही है तो फिर उसके साथ साथ कुछ नए कवायद जवाबत भी वो बनाती जाती है उसको कहते हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता कैसे मैं आपको बताता हूं देखें लेजिस्लेशन ने लॉज बनाए प्रैक्टिकली एक ऐसी सिचुएशन राइज हो गई कोर्ट के सामने इश्यू को लाया गया जिसके मुतालिकलेशन ने कोई रूल नहीं बनाया हुआ एंड कोर्ट्स आर देयर टू डिस्पेंस जस्टिस नाउ इट इज इनएविटेबल फॉर द कोर्ट कि वो कोई ऐसा सॉलिड रूल बनाए रूल ऑफ लॉ बनाए कि जिसके तहत वो उस इश्यू को रिजॉल्व करे ऐसे तो नहीं हो सकता कि इश्यू आ गया अब उसके ऊपर इंसाफ ही नहीं होना तो इसका मतलब है कि जहां पे लेजिसलेशन ने लॉ नहीं दिया और लॉ मौजूद नहीं है वहां पे प्रेस जो जज है जज अपने विजडम को इस्तेमाल करते हुए आपको पता है कि जज जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी तो राइट एंड रॉन्ग का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जज है सोसाइटी के राइट एंड रॉन्ग का रिप्रेजेंटेटिव जज है तो फिर जज अपने जो कॉन्शियस को इस्तेमाल करते हुए ऐसा एक रूल डिवाइस करेगा जिससे इंसाफ हो जाएगा लेटस डिस्कस डॉक्टरीन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट बहुत सारे लोग बहुत सारे ज्यूरिस्ट जो प्रेसिडेंट है इसको अकेला कुछ नहीं कहते तो कहते हैं इसके साथ आप टर्म अटैच कर लीजिए डॉक्टरीन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट लेडीज एंड जेंटलमैन ये क्वेश्चनराइज होता है कि ये डॉक्ट्रिन होती क्या है देखिए डॉक्ट्रिन जो होती है ना ये एक प्रिंसिपल होता है एक रूल होता है एक टेनेट होता है एक नतीजा निकाला होता है एक लंबी एक्सरसाइज के बाद तो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्ट्रिन। ये क्या कहती है आज देखे द रूल दैट प्रेसिडेंट्स नॉट ओनली हैव परसुएसिव अथॉरिटी बट ऑल्सो मस्ट बी फॉलोड

जो सर्कमस्टांसिस ऑफ केस हैं वो बिल्कुल वो ही है जो कि सिमिलर थे उस पुराने केस के साथ जिसमें वो असूल डेवलप हुआ तो इसका मतलब है दोनों में कॉमनलिटी क्या है सरकम एक केस सामने आया उसमें फैसला हुआ हालात उस केस के अगर आने वाले केस के हालात से मैच करेंगे तो उस पुराने वाले केस में जो असूल डिवेल्प हुआ था वो तब उसके ऊपर अप्लाई होगा ये डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट कहती है सवाल पैदा होता है कि लेजिस्लेचर जब लॉ बनाती है तो उसको वो पब्लिश कर देती है पब्लिश कर दिया लॉ ब्लैक एंड व्हाइट मौजूद हो गया जब लॉ ब्लैक एंड व्हाइट मौजूद हो गया तो जो भी कहीं पड़ेगा उसकी ओथेंटिसिटी पता चल जाएगी कि यह पब्लिश जो है किया ये गवर्नमेंट ने किया गवर्नमेंट उसकी बैक पर है उसकी ऑथेंटिसिट ऑथेंटिसिटी वहां से डेवलप हो जाती है अब केस लॉज जिसमें प्रेसिडेंट्स बनते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे डेवलप होनी पहली बात तो यह है कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रेसिडेंट बनाया होगा अब सवाल पैदा होता है कि प्रेसिडेंट कौन बनाता है देखिए अपेक्स कोर्ट्स प्रेसिडेंट्स बनाती हैं हमारे तो यहां पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट बनाएगी फेडरल शरीय कोर्ट बना सकती है और हाई कोर्ट बना सकती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस जो हैं ये प्रेसिडेंट्स नहीं बनाते ये फॉलो करते हैं जो प्रेसिडेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने डेवेल्प किए हैं सवाल पैदा होता है कि कौन सी वो डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रेसिडेंट जो है उसको कोर्ट किया जाता है उसको प्रिजर्व किया जाता है और इसलिए उसका प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है वो इसलिए कि जहां भी वो कोर्ट किया जाए तो फुल ओथेंटिसिटी के साथ कोर्ट किया जाए इए आपको बताते हैं कि कहां पे होते हैं ये प्रेसिडेंट्स को सेव कहां पे किया जाता है प्रेसिडेंट्स आर रिपोर्टेड इन लॉ रिपोर्ट्स। अगर किसी अगर किसी अदालत ने कोई प्रेसिडेंट बनाया है तो लॉ रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, सरकार उनका उनको परमिट करती है और मुख्तलिफ इदारे उसको चलाते हैं जैसे पीएलडी है पाकिस्तान लीगल डिसीजन उसमें वो रिपोर्ट हो जाती है और उसको सेव कर लिया जाता है इस तरह हमारे पास पिछले पचास साठ सात सत्तर साल का रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें प्रेसिडेंट्स बने हैं नाउ डिस्कस बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट इसको यह भी कहा जा सकता है कि वॉट इज स्टेयर डिसाइसिस बड़ा टेक्निकल वर्ड है स्टेयर डिसाइसिस स्टेयर डिसाइसिस को भी थोड़ा सोसाइड पर रखिए कुछ डिस्कस करते हैं कि बाइंडिंग अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट क्या है बाइंड करना क्या मतलब है कि जकड़ लेना पकड़ लेना और जब प्रेसिडेंट बनता है और रूल या प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो जाता है तो वो आने वाले वक्त के ऊपर एप्लीकेबल होता है पकड़ा जाता है तो इसका मतलब ये है कि स्टैंड बाय द रूल्ड डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि आने वाले वक्त में वन हैज टू स्टैंड बाय द रूल डिसाइडेड बाय द कोर्ट और इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस तो याद रखने की बात प्रेसिडेंट बन गया तो ऐसी बात नहीं है कि उसकी कोई रेकग्नीशन नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई उसमें स्ट्रेंथ है जैसे एक लॉ में स्ट्रेंथ होती है उसी को फॉलो करना है उसके बगैर गुजारा नहीं है तो स्टैंड बाय द थिंग या दूसरे लफ्जों में स्टेयर डिसाइसिस इज द क्विंट एसेंस ऑफ प्रेसिडेंट आइए आगे देखते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट्स बनते हैं ये जो जुडिशियल सिस्टम है या प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है सोसाइटीज में वो क्यों है तो पहला प्वाइंट ये है प्रेसिडेंट की वैल्यू इसलिए है कि जस्टिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाई एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जजेस प्रेसिडेंट को आप एहतराम क्यों करते हैं प्रेसिडेंट की वैल्यू क्यों मानी जाती है भाई उसकी वजह सीधी सीधी है कि ये जो प्रेसिडेंट हैं ये जजेस ने बनाए हैं और जजेस से ज्यादा ये स्टेब्लिशमेंट ऑफ जजेज ने बनाए देखिए सोसाइटी में जजेस जो हैं, ये पार्ट एंड पार्सल है और ये बड़ा पिविटल रोल प्ले करते हैं जस्टिस या जजेस इनको कहा जाता है कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्शियंस ऑफ सोसाइटी जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है ना सोसाइटी की वो जजेज उसके रिप्रेजेंटेटिव है तो जब वो कोई असूल डेवलप करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये इन्होंने बिल्कुल इंसाफ के तकाजों को सामने रख कर बनाया गया इसलिए प्रेसिडेंट की बहुत रिस्पेक्ट हम करते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की बड़ी वैल्यू है वो ये है कि जजेज आर स्पेशलिस्ट ऑफ लॉ जजेस को समझा जाता है कि ये स्पेशलिस्ट्स हैं ये ज्यूरिस्ट्स हैं ये वो लोग हैं जो लॉ के ऊपर सोच विचार करते हैं। और इनका जो माइंड है दैट इज अट्यून्ड विद द लीगल फिलोसफी ये सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो देयरफॉर प्रेसिडेंट्स आर रिस्पेक्टेड थर्ड जो बात है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की बड़ी वैल्यू है वो ये है कि अ केस विसाइडेड स्टैंड क्रेक्ट अनलेस रिवर्स बाय द हायर कोर्ट जो कोर्ट है जब इसने फैसला एक दे दिया फैसला नहीं फैसले का तो लफ्जो है वो इधर अप्रोप्रिएट नहीं है रूल एक स्टेब्लिश कर दिया ये हम कहेंगे वो उस वक्त तक वैल्यूबल है उस वक्त तक रिस्पेक्टेबल है उस वक्त तक एप्लीकेबल है जब तक के वो कोर्ट जहां से फैसला है उससे ऊपर वाली कोर्ट उसको रिवर्स न करती तो देअ फोर प्रेसिडेंट्स आर ऑफ अट मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनकी बिल्कुल वैल्यू है लेजिस्लेशन के स्पैरल ये वैल्यू रखते हैं और ये बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और ये बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकल डिडक्शन के ऊपर लेजिस्लेशन जब होती है तो फ्यूचर को देख के लेजिस्लेशन की जाती है कि आने वाले वक्तों में हमें यह कवानीन चाहिए होंगी प्रेसिडेंट जो है ये आने वाले वक्तों के लिए नहीं करता ये बेसिकली अपने सामने जो प्रोपोजिशन होती है ये उसको हल करता है अब यहां पे मैं चाहता हूं कि आपके साथ मैं डिस्कस करूं काइंड ऑफ प्रेसिडेंट देखिए मेरे प्रेसिडेंट आपके साथ डिस्कस कर लेजिस्लेशन के पैरल एक सिस्टम है लॉ मेकिंग का उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं अब प्रेसिडेंट की कुछ काइंडस हैं देखें पहली काइंड जो है वो डेक्लटरी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करना क्या होता है डलियर करना ये होता है कि बताया जाए हां ये जो बात आप कह रहे है, हैं यही है तो डेक्लटरी प्रेसिडेंट एक ऐसा प्रेसिडेंट जो मौजूद तो है लेकिन उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी है कि ये है सही या नहीं सही जब ये तयन किया जाता है कि हाँ यही प्रेसिडेंट सही है तो उसको कहते हैं कि ये डेक्लटरी प्रेसिडेंट है इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ प्रेसिडेंट जो नेक्स्ट काइंड है वो है ओरिजिनल प्रेसिडेंट ओरिजिनल से क्या मुराद है जेनुअन जेनुअन से मुराद क्या है कि ऐसा जो प्रवर्टेड नहीं है ऐसा जिसमें कोई तारीफ नहीं हुई कोई तरमीम नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ जो ओरिजिनल कोड ने पहली दफा बनाया उसको हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहते हैं तो पहला था क्या था डेक्लोरेटरी प्रेसिडेंट दूसरा प्रेसिडेंट कौन सा है ओरिजिनल प्रेसिडेंट और तीसरा प्रेसिडेंट क्या है अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ये अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या होता है अगर आप अथॉरिटी को समझ जाए तो फिर आपको अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट भी समझ आ जा जाएगा अथॉरिटी से मुराद है कि ताकत टू इन्फोर्स यानी पावर टू इन्फोर्स पावर टू इन्फोर्स ये प्रेसिडेंट जो है इससे जान नहीं छूटनी ये अगर सिचुएशन आ गई तो इसी के अंदर जो लॉ डेवलप हुआ है वो ही लगेगा उससे छुटकारा नहीं है जब हर सूरत में उसी प्रेसिडेंट ने लगना है तो इसे हम अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट कहते हैं दोबारा बताता हूं जब हर सूरत में किसी प्रेसिडेंट ने अप्लाई होना हो उसे हम अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट कहते हैं फोर्थ प्रेसिडेंट जो है वो परसुएसिव प्रेसिडेंट कहलाता है लेडीज एंड जेंटलमैन ये परसुएसिव प्रेसिडेंट क्या होता है परसुएसिव प्रेसिडेंट एक ऐसा प्रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल के एक इंग्लैंड में एक सिचुएशन डिवेल्प हुई और वहां की कोर्ट्स ने एक प्रेसिडेंट डप किया अब वो जो प्रेसिडेंट डेवेल्प किया जिन सर्कमस्टांस में उसी तरह के सर्कमस्टांसिस पाकिस्तान में राइज हुए कोर्ट के सामने अब अब से सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की कोर्ट इंग्लैंड की कोर्ट का वो प्रेसिडेंट यहां पर लगाएगी वो अप्लाई कर सकती है नहीं नॉट एट ऑल वहां की कोर्ट का इंग्लैंड की कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है दैट इज परसुएसिव है कन्विंसिंग है लॉजिकल लेकिन वो उन्होंने अपने लिए बनाया यहां पे वो अथॉरिटेटिव नहीं है यहां पे वो लागू नहीं होगा हां जजेस या लॉयर्स उसमें से जो लॉजिकल लॉजिकल डिडक्शन हैं वो ले सकते हैं इन्फर कर सकते हैं और डिबेट कर सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि उस प्रेसिडेंट की बेस के ऊपर उसमें जो रूल एस्टेब्लिश हुआ है कोर्ट डिसीजन करते ऐसा नहीं है ये मैंने आपको बता दी चारो काइंड्स प्रेसिडेंट की इसके अलावा आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं प्रेसिडेंट के मुतलिक इसमें, देखें, एक लफ्ज प्रेसिडेंट से मुतल आपको मिलेगा रेशियो डेसीडेंडाई और जो दूसरा टेक्निकल वर्ड है वो है ओबिटर डिक्टा रेशियो डेसीडेंडाई क्या है प्रेसिडेंट में देखें जब आपने प्रेसिडेंट बनाने का अमल देखना है या उसका प्रोसेस समझना है कि प्रेसिडेंट बनते कैसे तो ऐसे होता है कोर्ट के सामने केस फाइल uh, किया जाता है कोर्ट उसको पढ़ती जो वुकला है वो आर्गुमेंट्स देते हैं रिटर्न प्रेजेंटेशंस आती एविडेंसेस आती बहुत सारी जो मटीरियल uh, हैं उसमें इनपुट्स की जाती हैं अब वो सारी चीजें जो हैं वो गो थ्रू करके जज जब एक असूल डेवलप कर लेता है जज एक असूल डेवलप कर लेता है कि यह असूल है उस उसूल का नाम रेशो डेसिडेंट आए और उस उसूल के अलावा जितनी चीजें हैं उस केस में उनको कहा जाता है वो डिक्टा अब कुछ डिस्कस लाजमी करना चाहिए हमें लॉ रिपोर्ट्स के बारे में देखिये बात यह है कि प्रेसिडेंट तो कोर्ट्स ने बना दिया अब प्रेसिडेंट्स को ढूंढना यह भी एक काम है और यह देखना कि यह कहां पर मिलेगा यू वुड बी डिलाइटेड टू नो के लॉयर्स के चेंबर्स में आपने बेशुमार बुक्स लगी हुई देखी होंगी वो बेशुमार बुक्स उन्होंने शौक में नहीं लगाई होती वो बेसिकली प्रेसिडेंट्स होते हैं वो हर साल के प्रेसिडेंट्स जो हैं उनके वॉल्यूम्स उनके पास होते हैं और अगर कोई उन्हें बताए कि भाई ये जो प्रेसिडेंट है ये रेलेवेंट है केस लॉ से तो उसको निकाल लो तो वह कैसे निकालेंगे इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसको कैसे ढूंढेंगे तो लाजमी बात है कि कोई ना कोई सिस्टम ऐसा इवॉल्व किया हुआ होता है कि पता चल जाता है कि किस वॉल्यूम में किस साल की प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद है कि बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये अड्रेसिंग करना है कि कहां पर कौन सा लॉ मौजूद है ये आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका एड्रेस कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे अंडरस्टेंड किया जाता है फॉर एग्जाम्पल कुछ केस तो ऐसे होते हैं कि उनको आ, किसी एक खास इवेंट के नाम की वजह से भी याद रखा जाता है फॉर एग्जांपल सैमल्सन एंड कंपनी 1938, थर्टी एंड कंपनी 1938, इसका मतलब है कि 1938 की वो वॉल्यूम होगी और उसके इस लिखा होगा पेज 342। तो आप सैमल्सन एंड कंपनी पेज 32 वॉल्यूम टू पर जाएंगे तो आपको वहां पर वो प्रेसिडेंट कोटेड मिलेगा इसके अलावा एक तरीका कार्य होता है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं बेस्ट वर्सेस सैमुअल फॉक्स एंड कंपनी लिमिटेड 1952 फिफ्टी टू फिर अलहदा से टू लिखा हुआ है फिर आगे ऑल फिर लिखा हुआ है ई आर फिर लिखा हुआ है थ्री ये कुछ पांच छह चीजें लिखी हुई हैं ये कुछ ना कुछ साउंड करती हैं और आपको कहीं ना कहीं लीड कर रही होती है कि यहां पर आपको वो डॉक्यूमेंट जो आप ढूंढ रहे हो या जो प्रेसिडेंट आप ढूंढ रहे हो वो मिलेगा देखिये इसमें बेस्ट वर्सेस सैमुअल फॉक्स एंड कंपनी बेस्ट कौन है बेस्ट बेसिकली प्लेटिफ का नाम है ये प्लेन कौन होता है भाई वो जिसने मुकदमा फाइल किया होता है जिसने मुकदमे को इनिशिएट किया होता है और जिसके अगेंस्ट किया होता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं तो ये सैमुअल फॉक्स एंड कंपनी जो है ये डिफेंडेंट है और इसमें जो वी जो है वर्सेस इससे मुराद है कि इन दोनों के दरमियान कोई इश्यू जेरे बहस था 1952 फिफ्टी यहां पर जो लिखा हुआ है 1952 बताता है वो साल जिसमें ये डिस्प्यूट खड़ा हुआ था राइट जी और 2 जो 1952 के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस दे के लिखा हुआ है ये वॉल्यूम बताता है कि ये दो बुक्स में होगी या तीन बुक्स में होगी या चार बुक्स में होगी तो यह दूसरी नंबर की जो बुक्स है वॉल्यूम टू में ये मौजूद है और इसके बाद ऑल ई आर ऑल से मुराद ऑल ही है ई आर से मुराद है इंग्लैंड रिपोर्ट ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट और पेज 394 तो इससे मुराद ये हुई बेस्ट प्लेटिव था वर्सेस सैमुअल फॉक्स एंड कंपनी डिफेंडेंट थी और साल 1952 था वॉल्यूम टू ऑल इंग्लैंड रिपोर्ट पेज 394। इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड सोर्सेज ऑफ लॉ जिसमें लेजिस्लेशन के ऊपर हमने बात की हमने प्रेसिडेंट के ऊपर बात की दोनों एक स्टेट को चलाने के लिए लाजमो मुलूम हैं। लेजिस्लेचर अपना काम कर रही है जहां पे स्पीडी लॉ मेकिंग चाहिए वहां पे लेजिस्लेचर बहुत जरूरी है और जहां पे बहुत डेलिब्रेटेड सोचो बचार के बाद लॉ चाहिए वहां पे प्रेसिडेंट बहुत जरूरी है इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड सोर्सेज ऑफ लॉ इस सेशन में हमने देखा कि लेजिस्लेशन कैसे लॉ मेकिंग करती है और प्रेसिडेंट के जरिए से कैसे लॉज बनाए जाते हैं हमने देखा कि लेजिस्लेशन बहुत इफेक्टिव है जहां पे आपको लॉज जल्दी चाहिए और प्रेसिडेंट वहां पर काम करती है जहां पर लॉज को बड़ी डेलिब्रेशन के बाद और सोचो विचार के बाद बनाया जाता है एक स्टेट को चलाने के लिए दोनों जो जराए हैं लॉ मेकिंग के वो बहुत इम्पोर्टेंट है लेजिस्लेशन अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और प्रेसिडेंट भी अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों एक दूसरे के लिए लाजूम वजूम है ये जो सेशन है इट इज वेरी प्रोडक्टिव सेशन और आप लोगों को चाहिए कि दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस करें और ताकि आपको पता चल सके कि कौन से प्वाइंट्स इसमें पॉजिटिव हैं और कौन से प्वाइंट्स नेगेटिव हैं Thank you very much.